अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ आज किस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आप लोगों का सवाल भी है और दूसरी बात कि किन किन बोर्डों ने ये पॉलिसी चेंज की है, और आज मैं बताऊंगा कि कौन से जो दोस्त हैं मैट्रिक वाले जो ना अपने रूल नंबर स्लिप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे दोस्त हैं जो अपने रूल नंबर स्लिप को बाई डाक ले सकते हैं, और अगर उनकी रूल नंबर स्लिप नहीं आएगी तो वो क्या करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको मुकम्मल ही गाइड करूँगा, और दूसरी बात कि इन तमाम बोर्डों की तरफ से क्या अपडेट आई है वो भी दोस्तों आपसे शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो kindly आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, और साथ में दोस्तों आपको एक बेल आइकन मिलेगी, आपने उस पे प्रेस करके आपने वीडियो को भी लाजमी लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों बात को आगे करते हैं। दोस्तों इस टाइम जो है ना, आप सिर्फ ऑनलाइन रूल नंबर स्लिप सिर्फ आप लाहौर बोर्ड वाले भी ले सकते हैं, और वो कौन से दोस्तों, वो सिर्फ जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, वही प्राइवेट स्टूडेंट ही सिर्फ दोस्तों अपनी रूल नंबर स्लिप को ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपने जो ना अपने ही बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, या फिर दोस्तों आपको जो ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, सिंपली आपने उस पर प्रेस करके जो ना आपने सिंपली दोस्तों आपने अपने रूल नंबर स्लिप को हासिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो प्राइवेट स्टूडेंट नहीं है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट की मैं बात करूँ जो तमाम बोर्ड आ जाते हैं या फिर लाहौर बोर्ड के अलावा जो अदर बोर्ड हैं उनके जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको रूल नंबर स्लिप कैसे मिलेगी। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मैं भी आपको बताया था, और आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों आपका जो एड्रेस था जिस पे दोस्तों आपने जो है ना जब आपने अप्लाई किया था तो उस टाइम दोस्तों आपने जो एड्रेस दिया था दोस्तों आपकी रूल नंबर स्लिप उस एड्रेस पे पहुंच जाएगी। दोस्तों अगर आपकी रूल नंबर स्लिप 2 या 3 तारीख तक आपके एड्रेस तक ना पहुंचे तो दोस्तों उसके बाद सिंपली आपने बोर्ड से रब्ता करना है, और अगर आप रूल नंबर स्लिप ना पहुंचे तो आप बोर्ड से रब्ता करके दोस्तों आप अपनी ओरिजिनल रूल नंबर स्लिप दोबारा से निकलवा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में अगर आपके पास दोस्तों चलान फार्म अगर आपका होगा जिस फार्म के थ्रू दोस्तों आपने फीस भरी थी, और फीस के बाद दोस्तों आपको चलान फार्म के तौर पर एक पर्ची दी जाती है, अगर आपके पास वो होगी तो आपको दोबारा आपकी रूल नंबर स्लिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका रूल नंबर स्लिप के हवाले से कोई भी इशू हो तो वो आप कमेंट में भी अपने राय का इजहार दे सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द जल्द रिप्लाई करूंगा। दोस्तों इसके अलावा जो है ना रेगुलर स्टूडेंट भी हो गए या प्राइवेट स्टूडेंट भी हो गए, आपके दोस्तों जो है ना लाहौर बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड ने अभी तक दोस्तों ऑनलाइन सिस्टम नहीं किया, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो जदीद नहीं है। दोस्तों इसके हवाले से जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं दोस्तों आपको इसी चैनल पर जल्द जल्द अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी और मुख्य वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आई होगी।